हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज हम देखिए, ये मैंने पट्टी बना ली है, ये डोरी है बांधने के लिए। स्कार्फ बना रहे हैं लेडीज़ के लिए। तो ये 11 फंदे डाल के मैंने यहाँ तक 30 लाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, जिससे हमारी ये इस तरह से धारियाँ बन के आई हैं। ये फ्रेंड मैंने 30 धारियाँ कंप्लीट कर ली है, 60 सिलाइयाँ हैं। अब उल्टी साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे और पूरी सिलाई उल्टी, मैं वाइट कलर लगा रही हूँ तो पूरी सिलाई में इस कलर की बना दूंगी। फिर सीधी सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे, तो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, सीधी सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे और इसको आगे तक बढ़ाएंगे, तो दोनों सिलाई हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। इसमें धागा आगे करा, दो फंदे हमने इस तरह से बना लिया। अब इस एक फंदे के हम दो फंदे बनाएंगे। तो पहले हम ये देखिए, पिछली साइड से एक फंदा हमने बना लिया, फिर अगला, फिर अब धागा पीछे करेंगे हम और इन दो फंदों को ऐसे उतारेंगे। अब धागा आगे करा, दो फंदे हम दो फंदे हमने ये उतारे और इस वाले फंदे को फिर से वैसे ही बनाएंगे, एक का दो। ये देखिए एक बनाया, फिर दूसरा बनाया। अब देखिए एक फंदा हमने ऐसे बना लिया। अब इस वाले फंदे पे फिर से हमने एक दो फंदे बना लिए। इस तरह से एक दो तीन बार हमारे फंदे बढ़ गए और इस साइड हमारे तीन फंदे उल्टे ही आएंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे इस वाले कलर से, इस तरह से, और सीधी सिलाई पे फिर बताऊंगी मैं आपको। इसकी हम एक एक धारी बनाएंगे, एक इसकी और एक इसकी। अब देखिए पहले हमने दो फंदे बनाए थे, अब एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया है तो यहाँ पे हम तीन बना देंगे। अब जो हमारे दो सीधे फंदे हैं, इसके इस साइड भी हमने दो का एक सॉरी एक के दो फंदे बनाने हैं और इस साइड भी एक के दो फंदे बनाने हैं। तो इस साइड पहले बना लेते हैं, थोड़ा लूज करेंगे इसको। और ये देखिए एक फंदा बनाया, फिर एक आगे से बनाया। अब धागा पीछे करा, इन दो फंदों को हमने उतारना है। अब धागा आगे करा, पहले पीछे वाली साइड से हम एक फंदा बनाएंगे और फिर आगे वाले। अब देखिए एक दो, दो फंदे बना लिए हमने और इस साइड हम एक दो तीन फंदे के बनाने के बाद हमेशा तीन फंदे छोड़ेंगे और फिर इस फंदे पे बनाते जाएंगे। एक फंदा ये बढ़ गया हमारा, तो इसको भी हमने बना दिया। अब ये तीन फंदे हमारे बच गए, तो इस वाले फंदे पे हमने एक का दो बनाना है और ये तीन फंदे फिर उल्टे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस ये दो फंदे हम जो उतार रहे हैं, इसके एक साइड हम एक बार ही फंदा बढ़ाएंगे और इसके इस साइड हम दो बार फंदा बढ़ाएंगे, तीन फंदे से पहले और दो फंदे के बाद में। अब उल्टी सिलाई हम दूसरे कलर से बनाएंगे पूरी उल्टी। अब फिर से देखिए फ्रेंड, एक बार दो तीन चार, चार फंदे बढ़ गए अब हमारे। अब हम ये देखिए दो हमारे सीधे फंदे हैं, तो इस वाले फंदे पे हमने दो फंदे बनाने हैं, एक पीछे वाली साइड से एक आगे वाली से। फिर धागा पीछे करा, ये जो दो फंदे हम उतारते हैं इनको उल्टी सिलाई में हमने बनाना है हमेशा। धागा आगे करा, इन दो फंदों के दोनों साइड हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया, एक फिर एक।
अब हम जितने फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और इन तीन फंदों के पहले वाला फंदा जो भी आएगा वहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है। अब इस वाले फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे, एक दो और तीन फंदे, फिर उल्टे। देखिए अब उल्टी सिलाई हम दूसरे कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फंदे बढ़ते जाएंगे और जब तक हमारे पास बच्चों के लिए बनाना है तो 100 फंदे कर लेना, और लेडीज़ के लिए बनाना है या बड़ी लड़की के लिए तो 110 फंदों तक हम इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। और फिर 110 फंदे बढ़ाने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आगे हमने किस तरह से बनाना है। फिर ये ये हमारे उतरे हुए फंदे हैं, इनको भी हमने उल्टा बना देना है दोनों को। फिर अगली पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी बना देनी है और सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाना है। ये देखिए ये जो हमारे दो फंदे सीधे हैं इसके इस वाला साइड जो बढ़ता जाएगा वो हमारे माथे की साइड का आएगा और ये पीछे वाला साइड आएगी बैक। तो इस तरह से फंदे बढ़ाते जाइए और ये दो दो फंदे उतारते जाइए और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। ये यहाँ पे हमने ये जो सीधे फंदे हैं इसके इस फंदे पे और इस फंदे पे फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पे तीन फंदे के इस वाले फंदे पे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ कम्प्लीट कर ली है जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने थे, और ये हमारे दो फंदे जो सीधे हैं जो हमने उतारे हुए हैं वो इस तरह से बन के आएगा। तो ये देखिए इस साइड हमारे 36 फंदे आए हैं और दो ये बीच के, और यहाँ पे 72 इस साइड जहाँ हमने दो बार फंदे बढ़ाए, एक बार यहाँ और एक बार इस वाले कोने पे तीन फंदे से पहले, यहाँ पे 72 फंदे हो गए और यहाँ पे 36 जो ये हम बीच में एक ही साइड फंदे बढ़ा रहे थे। अब हमने 20 धारियां इस एक ही कलर की बनानी है, इसी कलर की 20 धारियां बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, यहाँ तक तो हमने उल्टा उल्टा बना लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको हमने वैसे ही उतारना है इस तरह से और उल्टी सिलाई पे बनाना है, और बाकियों को वैसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए 20 धारियां में इस वाले कलर की बना दूंगी, 40 सिलाइयां टोटल। और उसके बाद फिर हम फंदे कम करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए वैसे ही हम उस साइड को कम करेंगे। तो ये मैं 20 धारियाँ बना लेती हूँ पहले फिर दिखाती हूँ आपको। बस दोनों साइड से इसी तरह से हमने उल्टा उल्टा बनाते जाना है, अब कोई फंदा नहीं हमने बढ़ाना है। हमारे पास यहाँ पे 110 फंदे हो गए हैं और ये दो फंदे हमने वैसे ही उतारने हैं सीधी सिलाई पे और उल्टी पे उल्टा बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये मैंने 18 धारियाँ बनाई हैं यहाँ पे, 36 सिलाइयाँ। तो अगर आपके पास यही वाली 3-ply वाली ऊन है तो आप ये 18 धारियाँ बनाइए, अगर दूसरी है ये नॉर्मल वाली जिससे मैंने बाइट वाला डिजाइन डाला है तो आप यहाँ पे 20 धारियाँ बना लीजिए। अब यहाँ पे जो दो हमारे सीधे फंदे हैं दोनों साइड हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था जब हमने डिजाइन डाला था। अब हम यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो अब हम फंदे कम करेंगे, दो इस साइड से दो इस साइड से, एक एक फंदा दो का एक इस साइड से करेंगे, दो का एक इस साइड से, बीच के दो फंदों को इसी तरह से बनाएंगे। तीन बार हम फंदे बढ़ाए थे तो तीन बार ही हम फंदे कम करेंगे, यहाँ तीन फंदे के यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो अब देखिए ये 34 फंदे बना लिए मैंने, 34। अब आगे वाले को दो का एक कर देंगे इस तरह से, धागा पीछे करा इन दो फंदों को हम सीधी तरह सिलाई पे उतारेंगे, फिर धागा आगे करा इन दो का हम एक कर देंगे, और अगले लास्ट तक हम जब तक हमारे पास 5 फंदे ना बचाएं जब तक हम इसी तरह से बना देंगे सभी फंदों को उल्टा। फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड लास्ट में पहुँच गए हम, तो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बचे। तो तीन के पहले हमने इन दो का एक करना है हमेशा सीधी सिलाई पे, और इन दो को अब उल्टी सिलाई पूरी हम ब्लू कलर से लगाएंगे और सीधी सिलाई पे फिर से वैसे ही इन दो
सीधे फंदों के साइड में इन दो का एक करते जाएंगे जब तक हमारे पास इस तरह से ये 11 फंदे ना बच जाएं। 11 फंदे बचने के बाद फिर वैसे ही 60 सिलाइयों के हमें धारी बना देंगे, ये धारियां बनाएंगे जिससे हमारे पास ये 30 धारियां बन के आएंगी। बस इसी तरह से हमने फंदे घटाने हैं। तो एक बार फिर बता देती हूँ, मैं ब्लू कलर से उल्टी सिलाई पहले ब्लू कलर से लगा लेती हूँ पूरी, फिर दिखाती हूँ। देखिए धागा आगे करा, अब हम इस वाले कलर से सभी फंदे उल्टे बना देंगे और सीधी सिलाई पे एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, ब्लू कलर से मैंने 33 फंदे बना लिए। अब ये दो हमारे सीधे फंदे हैं, इसके साइड में जो दो फंदे हैं इन दो का हम एक कर देंगे इस तरह से। हर एक सीधी सिलाई पे धागा पीछे करेंगे, दो फंदे वैसे उतारेंगे, धागा आगे करा, इन दो का फिर एक कर दिया और लास्ट में तीन फंदे से पहले फिर हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे तीन फंदे बनाने के बाद इन दो का एक कर देंगे। इसी तरह से हम इन फंदों को घटाते जाएंगे और 11 फंदे बचने तक फिर हम इसकी डोरी बना देंगे नीचे तक 60 सिलाइयों की। फिर मैं आगे दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक भी और फंदे बंद करना भी। तो ये बना लीजिए आप इसी तरह से, फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए एक साइड छोटा बना और एक साइड बड़ा, और ये छोटे वाला पार्ट है हमारे माथे की साइड आएगा। और ये देखिए 11 फंदों की यहाँ तक मैंने बना ली 60 सिलाइयाँ। अब उल्टी सिलाई से हम इनको बंद करेंगे सभी फंदों को, और इसके साथ ही हमारे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक फंदा बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते हैं और लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देंगे हम इसी तरह। अब ये लास्ट वाले फंदे को देखिए सिलाइयाँ निकाल देंगे और इसको इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह, ये देखिए। और इसको उल्टी साइड को हम अंदर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो भी हमारे पास धागा बचा हुआ है। इसको जो एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे हम यहाँ से, और ये देखिए बनके ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनके आया ये। तो फ्रेंड एक बार इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा इस वाले कैप को। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।